क्विक काउंटर। मैं सुशील पंडित जी को एक सोशल वर्कर के तौर पर और कश्मीरी एक्टिविस्ट के तौर पर जानता हूँ। मुझे नहीं पता था कि इन्होंने भी राजनीतिक चश्मा लगा रखा है और ये राजनीतिक गंदगी में इस तरह उतरेंगे कि किसी पार्टी को आरोपित करेंगे और किसी का बचाव करेंगे। नहीं, उन्होंने गलत किया। मैं केवल इतना कह दूं कि जब अंग्रेजों से हम लड़ रहे थे तो हमारी लड़ाई केवल यही थी, स्वशासन की लड़ाई थी, हम अपना शासन खुद चलाएंगे। सीधा सा सिद्धांत है, कश्मीर का शासन कश्मीरी चलाएं, बिहार का शासन बिहारी चलाएं, महाराष्ट्र का शासन मराठा चलाएं, उत्तर प्रदेश का शासन उत्तर प्रदेश वाले चलाएं। बाहरी व्यक्तियों को अगर थोपा जाएगा और एक स्टेट का शासन दूसरे स्टेट का आदमी चलाएगा तो वो गैर लोकतांत्रिक है। केवल इतनी शासन पे आ गई बात, कश्मीरी भी हमारे, जाति भी हमारे, किसी से नफरत नहीं कर रहे। कैन हैव एवरीवन ऑन राइट नाउ। सुशील जी सुन लें ना, हम ये कह रहे कि केवल उनका अधिकार है, कश्मीर में बाहर की एंट्री बंद है। पहला अधिकार उनका है, पहला अधिकार उस स्टेट का है, उस स्टेट के नागरिक का है। नहीं तो ये बताइए, पर शासन पे और लोकतंत्र पे। गौरव जी सुना आपने अभी क्या कहा भाटी जी? आप अपने स्वार्थों में अच्छा, मैं आपको दूसरे लोगों को बैठा के बाहर के सतीश जी आ रहा हूं तो ये आपत्तिजनक है। ऐश्वर्या एक तथ्य देना चाहता हूं, सीधी सी बात आपकी समझ में नहीं आ रही। ऐश्वर्या बोलिए बोलिए सर, लगा लिया आपने भी एक तथ्य। मुझे एक मिनट का समय बोलिए ऐश्वर्या, 30 सेकंड सर, थैंक यू। ये भाटी जी के लिए, मेरे आदरणीय भाटी जी के लिए और आपके दर्शकों के लिए, 31 मार्च 2020 को एक गेजेटेड नोटिफिकेशन आया, एक राजपत्रित अधिघोषणा हुई 45 पन्नों की, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य की सभी सरकारी नौकरियां लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2, लेवल 1 सभी ऊपर से नीचे तक सभी सरकारी नौकरियां उन लोगों के लिए आरक्षित हो गई जो जम्मू कश्मीर में पिछले 15 सालों से रह रहे हैं और वहां के डोमिसाइल सिटीजन हैं। ये तथ्य है, मैं उसे देश की पीठ में छुरा घोंपने जैसा समझता हूं। 370 हटाने के बाद आप पिछले दरवाजे से 370 लेके आए, ये तथ्य है। इस तथ्य को झुटला रहे हैं राहुल गांधी और आप कि हक मारा जा रहा है कश्मीर में, यह सरासर गलत है। लेकिन आप राजनीति के लिए झूठ भी बोलेंगे, कुछ कहूं उसके लिए तर्क भी गढ़ेंगे कमिंग गौरव जी, और उसके बाद वोट भी बटोरेंगे, लेकिन सच से गुरेज करेंगे। ओके सतीश जी, इस हिसाब से तो भाटी जी जब गुजरात में या कहीं और चुनाव लड़ते तो बाहर ही हो जाते हैं। बोला गौरव भाटिया ने, राहुल गांधी वायनाड कैसे जाएंगे? ठीक बोला सुशील पंडित जी ने। सतीश जी और फिर गौरव जी आ रहा हूं आपके पास, विजय जी कमेटी। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है ऐश्वर्या सर, ऐश्वर्य जी बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत फालतू के तर्क दिए जा रहे। जरा इनसे पूछिए पंडित जी से, सुशील पंडित जी से, कि ये बाहर में पंडित समुदाय वहां निर्वासित रह रहा है तो फिर न जाए वहां कश्मीर, यही रहे। मांग होती है कि उनको वापस जाना चाहिए, जो कि जायज है। हमें ये बताइए गौरव भाटिया जी कि हरियाणा में जब जो वहां नौकरी में 70-80% जो है वहां के लोकल लोगों के लिए रख दिया गया था जो कोर्ट में नहीं चला, तो फिर वो गलत किया उन्होंने? वो बात नहीं है। और ये कह रहे हैं कि नफरत की दुकान, नफरत, मैं किसी का समर्थक नहीं हूं। अगर अब आरएसएस कह रही है कि भाई जाति जनगणना कराओ, तो क्या उन्होंने नफरत का मॉल बना दिया क्या, नफरत की दुकान के जगह? सवाल का जवाब है, अगर हक हुकूक और कोई कायदे की बात होती है तो उसकी बात करनी चाहिए ना, तर्कों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए। उनको खींचिए, वो जब राहुल गांधी इस तरह की बात बोलते हैं तो उनको तथ्यों पर लाइए ना, ये फालतू के बहस करने किस आदमी को तथ्यों पर लाइए, ये नहीं है जो पूरे देश को बाहरी बता दे। गलत है, ये राजनीतिक विमर्श को अपने सुविधा के अनुसार बाएं दाएं मोड़ करके ये तरीका ठीक नहीं है। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं आपको, गौरव भाटिया, गौरव भाटिया नहीं है। तब आप भी एक काम कीजिए ऐश्वर्या, मेरी जगह विजय जी को दीजिए एक लाउड स्पीकर, आप ही एक एडिटोरियल पढ़ दीजिए, हो गया। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं, उत्तर दे दूं सतीश जी। देखिए पहले तो सपा के प्रवक्ता ने जो कहा, मैं उसकी निंदा करते हुए घोर आपत्ति व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा अंग्रेजों से जो हमने लड़ाई लड़ी थी वो सत्ता चलाने के लिए लड़ी थी, और अब जो है बाहरी आके सत्ता अगर चलाते हैं तो ये अंग्रेजों से जो लड़ाई हुई है उससे इसकी तुलना करनी पड़ेगी। काहे के वकील, मैं कहता हूँ भारत देश में हम तो एकजुट हो गए हैं, हमारी एक ही पहचान है, तो बाहरी कौन है ये? और हमारी लड़ाई जो अंग्रेजों से थी,
ऐश्वर्या जी, ये तो इस बात पे थी कि तिरंगा सबसे ऊपर फहराया जाएगा। तिरंगे की आन बान शान के लिए जान दी है ना, आप मुझे बताइए, भारत की संप्रभुता के लिए जान दी है। और ये लोग कहते हैं कि नहीं, ये बाहरी लोग कैसे आके सत्ता चलाएंगे, और ये सोच कहां से आती है? ये सोच आती है, आजम खान इनके बड़े लीडर हैं, वो सेना को भी बांट देते हैं हिंदू मुस्लिम में। उनका एक वक्तव्य है, उन्होंने कहा कारगिल की चोटी फतेह करने वाले मुसलमान थे, अल्लाह हो अकबर के नारे लग रहे थे। मतलब फौजी जो है धर्म देख के पहचानते हैं ये लोग, अगर मर जाते हैं, हमारी शहादत हो जाती है सैनिकों की, तो ये गिनते हैं कितने हिंदू है कितने मुस्लिम है। ये चिंताजनक है और दुखद है। दूसरी बात जो सतीश जी कह रहे थे, आपने कहा तथ्यों पे हराइए। देखिए, जिस अपरिपक्व नेता राहुल गांधी ने संविधान नहीं पढ़ा, मैंने सवाल पूछा, एक 2011 का सेंसस डेटा रिलीज क्यों नहीं किया, क्या राहुल गांधी उत्तर देंगे? दूसरा अनुच्छेद 370 जो कि टेम्परेरी था, इसको हटाया नहीं गया। और हुआ क्या, ये सतीश जी बहुत ही विद्वान है, ये जान लेंगे, जो वाल्मीकि समाज था, जो पिछड़े वर्ग का समाज था, उसको आरक्षण नहीं मिलता था। जब अनुच्छेद 370 को संशोधित किया तो आरक्षण मिलने की शुरुआत वहां पे हुई है। राहुल गांधी उत्तर दे, अनुच्छेद 370 क्यों नहीं हटाया और हटाने का विरोध क्यों किया? तीसरी बात, एएमयू में, जामिया में एससी एसटी का रिजर्वेशन नहीं है। क्या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां पे या राहुल गांधी ये कहेंगे कि हाँ, ये जामिया में और साथ में एएमयू में आरक्षण होना चाहिए? अगर आप पिछड़े वर्ग के इतने बड़े हितैषी हैं तो आपको बोलना चाहिए बात, लेकिन नहीं बोलेंगे। और मैं एक ही बात कहूंगा, इस देश में कोई भी नागरिक बाहरी नहीं है, हम सब एक है, हमारी पहचान है भारतीय होना। और फौज को, रेलवे को या विभिन्न प्रदेशों को अगर आप इस तरह से बांटने का काम करेंगे तो जनता आपकी राजनीतिक दुकान बंद कर देगी जिसमें आप जहर बेच रहे हैं। मैं कह रहा हूं बांट रहे हैं। और भाटी जी बनारस में गुजरातियों को बाहरी कह रहे हैं विजय जी, और राहुल गांधी जब वायनाड से लड़ते हैं उस पर चुप हैं। अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में जाकर चुनाव करते हैं, वो भारी हो गए क्या? आप समझिए तो भाटी जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, यू कैन नॉट डिफेंड द इनडिफेंसिबल। चाहे तो मैं बता, नहीं मैं आऊंगा, लेकिन विजय जी के बाद अभी तक दो और लोग हैं, आदिल भाई बोले नहीं, आ रहा हूं मैं। विजय जी ये क्या हो रहा है, और हम सब देख रहे हैं, सतीश जी उसको डिफेंड कर रहे हैं। ऐश्वर्या, राहुल गांधी जी बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी को लेकर घूम रहे हैं। पूरा चुनाव हुआ है 2024 का, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी को चल रहे हैं जी, अच्छी बात है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को कॉपी लेके चलने के साथ साथ पढ़ना भी चाहिए। ये जाति पॉलिटिक्स की बात छोड़ दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है कि हमारा कोई भी नागरिक, कोई भी सिटीजन, इंडियन सिटीजन कहीं पर भी चुनाव लड़ सकता है। वो बाहरी है क्या? वो वायनाड हो, वो बेलारी हो, वो चिकमंगलूर हो, वो मेड़क हो, भारतीय है, वो बनारस हो, वाराणसी हो, क्या बाहरी है? वहाँ पर हर हिंदुस्तानी को संविधान में लिखा हुआ है, चुनाव की व्यवस्था में क्या दे रखा है कि कोई भी भारतीय नागरिक कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जिस एलजी साहब के लिए उन्होंने कहा महाराजा राजा, वो तो ठीक है। आपने क्या आपने पढ़ा है कि एलजी का अपॉइंटमेंट या गवर्नर का अपॉइंटमेंट में क्या शर्त है? सबसे बड़ी शर्त क्या है उसकी? सबसे बड़ी शर्त है कि वो उस राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए, बर्थ उसकी वहां की नहीं होनी चाहिए उस राज्य की, ताकि उसके इंटरेस्ट पर थोड़ा सा वो ना करें। ये राज्यपाल की और एलजी के जो अपॉइंटमेंट है उसकी पहली शर्त है कि आप उसी राज्य के पैदाइश नहीं होने चाहिए जहां आपको राज्यपाल बनाया जा रहा है। इसलिए देश भर में जो भी राज्यपाल या एलजी बनाए जाते हैं उनके लिए ये शर्त है। ये मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन की बात बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी हो जो कहिए या ना कहिए। तीसरी बात, कश्मीर को लेकर हमारा पूरा हिंदुस्तान का एजेंडा क्या है कि हम बार बार ये लड़ाई लड़ रहे हैं जिसको आप उठा रहे हैं कि ये पाकिस्तान की वॉइस है ना, कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। जो आप कश्मीर के लिए बोलते हैं कश्मीर और भारत की सरकार, कश्मीर भारत का हिस्सा है, ये संविधान में, संसद में, उस संसद में जिसमें कांग्रेस भी थी, सभी पार्टी थी, उन्होंने भी ये प्रस्ताव पारित किया कि कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है।
तो कश्मीर में बाहर कौन होगा? अब फिर यदि ऐसा कर रहे हैं, और आजकल तो राहुल जी रायबरेली से सांसद हैं, क्योंकि वो कहीं से होते हैं, वायनाड से होते हैं, तो वो कहते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं आता ठीक से, लेकिन अभी तो रायबरेली से हैं, तो क्या वो इसीलिए शिवसेना का समर्थन कर रहे हैं महाराष्ट्र में, जहां पर यूपी और बिहार के लोगों की पिटाई होती है रिप्लेस उस शिवसेना की सरकार के दौरान? मतलब दिस इज जस्ट इनडिफेंसिबल कि वहां अखिलेश यादव चुप हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को बाहरी बोला जा रहा है।